हेलो एंड वेलकम। सो आरजेएस का आपका मेंस बहुत दूर नहीं रह गया है, सो आप लोग जो भी ये 65 और उसके बाद आसपास की रेंज के हैं, तो मैं तो बोलूँगा आप लोग अपनी मेंस की प्रिपरेशन शायद स्टार्ट कर चुके होंगे। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक भी सेकेंड छोड़ना नहीं है, एक भी सेकेंड स्किप नहीं करना है, बिकॉज मैं ये पूरी वीडियो को इनकैप्सुलेट कर रहा हूँ कि आगे मेंस का तैयारी कैसी होनी चाहिए, आखिर मेंस को आरजेएस वालों को कैसे ले जाना चाहिए, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज़ नॉट लो, कॉम्पिटिशन बहुत ईजी नहीं है। सो आपका एफर्ट दिखना चाहिए, आपका एफर्ट लगना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास टाइम कितना है। सो इफ़ यू फोकस ऑन दैट टाइम कितना है, तो अगर आप 2017 से और आसपास उसके पहले से आप और अभी तक का आरजेएस का एक पैटर्न देखोगे, तो एक 3 से 4 महीने का गैप आपको मिलता है। कब से? प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से 3 महीना तो एटलीस्ट आपको मिलना ही मिलना है। तो मैं मांग के चलता हूँ कि आपको 3 महीने के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, और एटलीस्ट आपको 2 महीने का कम से कम, दैट इज 60 डेज का बढ़िया सा सॉलिड प्लान बनाना पड़ेगा। अब वो सॉलिड प्लान क्या होगा उस पर आज हम लोग थोड़ा देखेंगे। सबसे पहले किसी एग्ज़ाम को निकालने के लिए उसका पैटर्न जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आरजेएस का पैटर्न कैसा है, मानते हैं प्रीलिम्स का पैटर्न थोड़ा इधर उधर हुआ, लेकिन मेंस वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन हम तब भी एक अपर लेवल की प्रिपरेशन करेंगे। जब हम लोग मेंस की बात कर रहे हैं, मेंस में सबसे पहले इसमें 4 पेपर्स होंगे। पहला होगा पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। पेपर 1 में सबसे सिविल लॉज सारे आएंगे आपके, पेपर 2 के अंदर क्रिमिनल लॉज आएंगे, इसमें तुम्हारे माइनर लॉज भी आएंगे, IPC CRPC भी आएगा। तीसरे में आपका जो तीसरा पेपर है वो होगा लैंग्वेज का, दैट इज़ हिंदी का, और चौथा पेपर होगा इंग्लिश का। बात करेंगे पेपर 1 लॉ, दैट इज़ लॉ पेपर 1, लॉ पेपर 2, दोनों 100-100 मार्क्स ईच दोनों का स्कोर रहेगा। और लैंग्वेज की बात करेंगे तो 50-50 नंबर का रहता है। देखिए जब बात कर रहे हैं लॉ की, तो लॉ को आप देखोगे कि एवरेज जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 20-21 के आसपास रहते हैं, ठीक है। 21 क्वेश्चन है, उसी के अंदर आपका जजमेंट राइटिंग भी है। अगर मैं सिविल लॉ पेपर की बात कर रहा हूँ तो उसमें एक जजमेंट राइटिंग भी है, ठीक है, जो शायद 2 पेपर आएंगे जिसमें ऑर्डर राइटिंग भी आ सकता है, जजमेंट राइटिंग भी आ सकता है। उसको साथ साथ आपको प्रैक्टिस करते चलना है। डेली आप कम से कम 1 घंटा निकालिए, या हर 2 दिन पे 1 घंटा आप निकालिए, और जजमेंट राइटिंग को फोकस करना चालू कर दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जजमेंट राइटिंग ज़रूर 2 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो दोनों क्वेश्चन 10-10 नंबर के होते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन द जजमेंट राइटिंग, और थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, बिकॉज अभी तक शायद आपने जजमेंट राइटिंग कहीं करी होगी। अगर आपने पहले से किसी और मेंस में दे रखा है तो आप कम टाइम में, हफ्ते में 1-2 बार देख के भी आप काम निकाल सकते हो, लेकिन पहली बार है तो एक बार मैं तो कहूँगा कि स्टार्टिंग में कोशिश करिए थोड़ा कॉन्फिडेंस लाइए इन सब्जेक्ट में जो आपके लिए थोड़ा दूर है। तो इसलिए जजमेंट राइटिंग को थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने के लिए हर 2 दिन पे 1 घंटा दीजिए, और कॉन्सेप्ट समझिए कैसे कर लिखते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे क्या चीज़ें होती हैं शायद। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इस कि पहले कॉन्फिडेंस में लीजिए उन सब्जेक्ट्स को, तो थोड़ा टाइम दीजिए। अगला पॉइंट्स मैं बोलूँगा कि जब आप लॉ पेपर को उठाएंगे तो लॉ पेपर के अंदर आपको लगभग 6 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 4 नंबर के 6 क्वेश्चन मिलेंगे, 6 नंबर के और 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको लगभग 3 नंबर के। तो 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो ये हो गए, और साथ मैंने बताया जजमेंट राइटिंग 10 नंबर की, आपके 2 क्वेश्चंस होंगे 20 नंबर की। तो जब आप इसको देख रहे हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आरजेएस का एक पैटर्न है, एक चेकिंग का पैटर्न है। देखिए अगर कोई आपको ऐसा बता रहा है कि एग्ज़ाम जो मेंस का होता है वो ऐसे ही चेकिंग हो जाती है, तो आई हैव सीन द आंसर स्क्रिप्ट्स, ऐसे चेकिंग नहीं होती है। चेकिंग लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड होती है। आप एक टीचर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते वहाँ पर, आपका एक वर्ड काउंट करता है। इसलिए हमेशा बोला जाता है आरजेएस का जो मेंस होता है वो बेयर एक्ट सेंट्रिक होता है, और जितनी अच्छी आप बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप हर सब्जेक्ट के हर क्वेश्चंस में, हर पॉइंटर्स में आप क्या करोगे, आप बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखोगे। तो आपको प्रिपरेशन कुछ ऐसी करनी है कि आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपको बेयर एक्ट में जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनकी, खासकर जो इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स हैं या इंपॉर्टेंट उसके जो कीवर्ड्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, वो आपको प्रिपरेशन में बूझ देंगे, वो आपके नंबर को इंक्रीज करेंगे। बिकॉज ये ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन उसी का होगा जिसके कम से कम 50% से तो ऊपर नंबर ही होंगे एटलीस्ट, और कॉम्पिटिशन से बढ़ रहा है तो हमें 50% से अच्छे खासे ऊपर नंबर लाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 नंबर का लॉ पेपर है तो आपका कम से कम 50 के ऊपर 52-55 के आसपास स्कोर होना ही चाहिए। और कभी भी फुल स्कोर नहीं मिलता, अगर आपका 4 नंबर क्वेश्चन है तो आई थिंक द हाईएस्ट नंबर वुड बी 3.5, तो 3.5 भी उसके आएंगे जो बहुत ही बेयर एक्सेंट्रिक है, कोई भी एसेंशियल छोड़ा नहीं है, और जो क्वेश्चन से पूछा जा रहा है उसी को आंसर कर रहा है। तो दिस इज व्हाट पैटर्न्स इन आरजेएस लुक्स लाइक।
तो इससे आपको प्रिपरेशन क्या करना है आप समझ पा रहे होगे। तो जो कंटेंट की हम जो बात कर रहे हैं, कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो कंटेंट में हमें सबसे प्रिपरेशन ये ध्यान रखना है कि हमारा जो कंटेंट है उसमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक वर्ड्स और स्पेसिफिक कीवर्ड्स होने चाहिए। तो चाहे आप नोट्स प्रिपेयर करिए, कुछ डेफिनेशन, कुछ पास्ट चीज़ को एनालाइज कर रही है, तो सबसे पहले कि मैं जैसे बता रहा हूँ आप पास्ट चीज़ को निकालिए। आपको बहुत सारे टेलीग्राम पेजेस पे या फिर आप हाईकोर्ट की वेबसाइट पे जाओगे आपको उस पे मिल जाएगा। आप उस हाईकोर्ट की वेबसाइट पे जाके उन पेपर्स डाउनलोड करिए, उन क्वेश्चंस को सामने रखिए और उन क्वेश्चंस में अगर कोई डेफिनेशन क्लॉज सिंपल डेफिनेशन पूछ रहा है तो उसको आप खुद लिखिए, उनके कीवर्ड एसेंशियल्स लिखिए। और शायद आप परीक्षा मंथन एक्सेट्रा यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें डायरेक्टली एसेंशियल्स लिखे हुए हैं, तो आप उनको नोट करिए, उनको याद करिए। सो वट आई बिलीव इज दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट हैं। ये ध्यान रखिएगा कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस मेंस एग्जाम में। जो जिस तरह से मेन प्री निकल गया उस आपसे मेंस नहीं चलेगा, मेंस में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। इसलिए बोलूँगा कि वर्ड बाय वर्ड रीडिंग इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्रोविजन्स पे फोकस होना इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये बोलूँगा हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है मेंस के लिए, बट जो जो मेंस के पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो मेंस में क्वेश्चंस आए हैं और खासकर और स्टेट्स में भी आए हैं उनको लेके उनको सॉल्व करिए। हर दो दिन पे राइटिंग प्रैक्टिस करिए। फॉर एग्जांपल आपने हर दो दिन पे, पहली बात तो हर दिन दो आंसर लिखिए और हर दो दिन के बाद कम से कम एक पेपर लिखने की कोशिश करिए और हर एक हफ्ते के अंदर एक फुल मॉक दैट इज अराउंड जितने दैट इज पेपर वन पेपर टू हिंदी और इंग्लिश इन चारों का पेपर आप लिखने की कोशिश करिए। देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी आपकी शायद प्रैक्टिस नहीं है, ये थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है। अगर आपका वो क्रम बनेगा नहीं, वो चीज़ बनेगी नहीं ना, वो फ्लो में आप आओगे नहीं, तो एग्ज़ाम के दिन जादू नहीं होगा। दैट इज़ वाई पहला इंपॉर्टेंट नंबर पे ये है कि आप कंटेंट पे फोकस करने के लिए आपको सबसे पहले PYQs निकालने पड़ेंगे। PYQs जब आपने निकाला तो PYQs की डेफिनेशंस को देखिए, ठीक है, और कोशिश करिए अब आप जो हर जब जो डिवाइस को प्लानिंग करेंगे आप जो अपने एटलीस्ट 60 दिन या फिर 70 डेज की जो भी प्लानिंग बना रहे हैं वो जो प्लानिंग होगी उसमें हर सब्जेक्ट को ध्यान दीजिए। लेकिन मैं ये बोलूँगा उससे पहले आपके वीक एरियाज आपके सामने होने चाहिए। शायद आप स्टूडेंट हो, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, लेकिन आपको पता है कि आपका कोई वीक एरिया है। फॉर एग्जाम्पल आपके वीक एरिया शायद CPC हो, शायद एविडेंस हो, वो जो भी वीक एरिया है उनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, आप अगर परीक्षा मंथन यूज़ कर रहे हैं बैक साइड में सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं मीन्स के, आप उन क्वेश्चंस को देखिए। उन क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको उन क्वेश्चंस को ही सॉल्व करिए, उन क्वेश्चंस के एसेंशियल्स को याद करिए और उन क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि इस तरह से आपको प्रिपरेशन को एक फ्लो में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी बात करते हैं, तो मैंने बताया बेयर एट सेंट्रिक है, बेयर एट के एसेंशियल वर्ड्स की वर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। केस लॉज जहाँ इंपॉर्टेंट हैं वहाँ साइड करना इंपॉर्टेंट रहेगा। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जितनी ज़्यादा रहेगी, बिकॉज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्लैरिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कुछ सेक्शंस को, कुछ प्रोविजंस को कनेक्ट करना पड़ता है, वो इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स को, डेफिनेशंस को या जो भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको एग्जैक्टली बताना समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। RJS का जब आप पेपर दोगे तो आपको स्पेसिफिक स्पेस छोड़ी मिली हुई होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 नंबर क्वेश्चन है तो आपको लगभग लगभग 1 पेज मिलेगा, अगर आपका 4 नंबर क्वेश्चन है तो 1.5 पेज मिलेगा, और यही अगर आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है तो और ज़्यादा स्पेस मिलेगा। तो स्पेस आपको मिलेगा, आपको उसी में लिखना है। स्पेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट हमारा पूरा हो जाए। अब देखिए आंसर राइटिंग में दो चीज़ें और भी होती हैं। पहली चीज़ तो कंटेंट, मैंने बताया कंटेंट बढ़िया होना चाहिए। दूसरा होता है हैंड राइटिंग। देखिए मेरा एक दोस्त था, उसका UP जुडिशरी में मेंस में इसीलिए नहीं हुआ बिकॉज उसकी हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम थी। तो हैंड राइटिंग क्या आपको सब लेटर्स लेजिबल हैं? अगर लेजिबल नहीं है शायद आप समझ नहीं पाओगे कि आपका है कि नहीं है, तो अपने फ्रेंड से कराइए, अपने पेरेंट्स से कराइए और को दिखाओ कि क्या मेरी हैंड राइटिंग सही है, क्या आप समझ पा रहे हो, क्लियरली समझ पा रहे हो, क्या जो एग्जामिनर हो वो ईजिली पढ़ लेगा। तो दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज मैं भी यहाँ लैग करता हूँ। सो आई फोकस ऑन आंसर राइटिंग, मैं हैंड राइटिंग फोकस कर रहा हूँ। तो मैं कुछ टाइम देता हूँ, मैं दिन का आधा घंटा एटलीस्ट हैंड राइटिंग कर्सिव और कर्सिव कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि हैंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हैंड राइटिंग आपकी वीक है सो इट्स बेटर हाई टाइम कि आज ही आधा ही घंटा दीजिए, आधा घंटा आप आराम से दे सकते हो, आधा घंटा आप अपनी हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करिए, जो आप छोटे पे करते थे वो कर्सिव राइटिंग वाली, जो भी आपको लगे आप हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करिए। थर्ड थिंग इज कि आंसर की फ्रेमिंग कैसी होनी चाहिए। ये टाइम के साथ आता है लेकिन ये प्रैक्टिस करने से भी आता है। तो जब भी आप ध्यान रखिए, अगर आपको आंसर के स्ट्रक्चर को अच्छा करना है तो उसके लिए आपको टाइम बेस्ड काम नहीं करना है, उसके लिए आपको टाइम लेके चलना है और कोशिश करना अच्छा आंसर फ्रेम करो, आप अच्छे आंसर्स को फ्रेम हुए को देखो। तो दैट इज़ व्हाट आई एम से
दैट इज वॉट आई एम गोइंग आई वांट टू से. तो मैंने तीन पॉइंट्स आपको बोले ये कि अनसर्टिंग में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं. बाकी एग्जाम मैंने बताया कि बहुत दूर नहीं है, बहुत पास ही है. इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है. अगर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में आपको उन कॉन्सेप्ट्स को पहले जो प्रोविजंस उस पर लग रहे हैं लॉ के प्रोविजंस को पहले एक्सप्लेन करिए, उनको डिफाइन करिए अच्छे से जो प्रोविजंस लग रहे हैं, और फिर अपने आंसर्स को सॉल्व करिए. ये हमारा स्टैंडर्ड पैटर्न रहेगा फॉर द प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस. सो आई होप थोड़ा सा आइडिया आपको लगा होगा कि कैसे क्या करते हैं. बाकी आई बिलीव मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर कर दिया है. दिस इज नथिंग मच बिग जो हम लोगों ने छोड़ दिया है. सो आपको यही मैं कह रहा हूँ कि टाइम आपको मिलेगा. बहुत सारे मैं लोग बोल रहे हैं कि टाइम बहुत कम है, बट आई स्टिल वांट टू से आप जो टाइम देख रहे हो ना वो प्री की डेट से देखिए, वो एटलीस्ट आपको तीन महीने से कम नहीं मिलता है. आपको RGS की मैं बात कर रहा हूँ, और सेट का अलग है. तो मैं मांग चलता हूँ तीन महीना एटलीस्ट मिलेगा. तो आप 70 days की एटलीस्ट प्लानिंग बनाइए मस्त, और हर सब्जेक्ट को प्लान करिए. लेकिन पहले बात कुछ भी करने से पहले अपने वीक एरियाज़ को लिखिए एक पेपर पे, फिर उन पे स्पेशल फोकस कैसे करना है वो सब आप प्लान करिए. फिर जो आपकी प्रिपरेशन होगी वो नेक्स्ट लेवल होगी. ठीक है, रेगुलर करना पड़ेगा, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. अगर आप पहली बार मेंस कर रहे हैं तो परीक्षा मंथन से ही स्टार्टिंग करिए, जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा. बाकी आप लोग, बहुत सारे लोग रेफरेंस बुक यूज़ कर रहा हूँ, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड. थैंक यू. आई होप मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा और कुछ आपकी क्वेरी सॉल्व करी. अगर कुछ और ऐसी क्वेरी होती है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, एंड किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं मैं बनाऊँ सो आप बता सकते हो. थैंक यू. दिस इज अविनाश तिवारी, स्टूडेंट एट RMNLU. थैंक यू. साइन ऑफ.